नमस्कार, क्रिएटिव अनन्या चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनन्या और मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल मैट। ये मैट आप टेबल मैट या फिर डोर मैट की तरह यूज कर सकते हैं और ये मैट बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए और इस वीडियो में बताए गए हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए तो आप बहुत ही खूबसूरत सा मैट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पुरानी सिंथेटिक या फिर सिफॉन साड़ी और क्रोशेट हुक। साड़ी को 1 इंच सेक्शन में काट के इसका एक गोला बना लेना है और यही गोला हम ऊल की तरह यूज करेंगे। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे वीडियो में दिखाए गए मेथड को फॉलो करते हुए। टोटल 5 चेन बनाएंगे और फिर वीडियो में दिखाए गए स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे। चेन को हुक के मदद से रोटेशन करेंगे और फिर बीच वाले स्पेस से घुमाएंगे। ऐसे घुमाते हुए 3 ठो चेन बनेगा और 3 चेन से फिर 2 चेन बनाना है और फिर 1 चेन। यही मेथड को फॉलो करते रहना है। हर बार थोड़ा थोड़ा साड़ी को हाथ में रोटेट करके रखना है, इससे होल्ड अच्छा मिलेगा और अच्छे से ये बन जाएगा। टोटल सर्कुलर एक शेप बनेगा सबसे पहला मेथड में और फिर इसको बंद कर देंगे। लाइन में पहले 2 चेन लेंगे और फिर 3rd चेन को घुमाते हुए फिर से स्टार्ट करेंगे सेम मेथड में। पहले 3, 3 से 2 और फिर 2 से 1 और हर बार 1-1 चेन लेंगे। चेन लेने का रीज़न ये है कि हमें ये घर थोड़ा बढ़ाना है, इसका जो साइज है उसको बढ़ाना है, तो इसके लिए हम हर बार 1-1 चेन लेंगे और ऐसे ही फिर से एक रोटेशन को कंप्लीट करेंगे। थर्ड रोटेशन में फिर से 2 चेन लेंगे और चेन लेने के बाद सेम प्रोसेस में 1-1 जो होल है वो होल में पहले 3, फिर 2 और फिर 1 यही मेथड में करते रहेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो होल है वो होल में 2 बार एक ही जगह पे 2 बार रोटेशन होगा। यही मेथड को फॉलो करते हुए ये 3rd सर्कल भी कंप्लीट कर लेंगे। इस बार हर स्टेप में चेन नहीं लेंगे, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप चेन ले भी सकते हैं। जहाँ पे स्पेस या घर बढ़ाने की ज़रूरत हो तो आप चेन ले, वरना चेन मत ले। ऐसे ही ये 3rd रोटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ सर्कल में फिर से 2 चेन लेंगे और यही मेथड को फॉलो करेंगे। इस बार एक जगह पे सिर्फ एक ही बार वो रोटेशन होगा, हर एक घर में 1-1 बार रोटेशन करेंगे और इसी मेथड से पूरे सर्कल को कंप्लीट करते रहेंगे। ऐसे ही पूरा सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब हम इसको एक मिकी माउस का शेप दे रहे हैं या फिर आप टेडी बियर भी बोल सकते हो। इसके लिए हम फिर से एक दूसरे कलर का साड़ी का टुकड़ा लेंगे और उसको अच्छे से अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम 2 कान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो
कान के लिए पहले चेन लेंगे और फिर 3 से 2, 2 से 1 और ऐसे ही स्टेप में कान बनाते रहेंगे। कान बनाने के लिए 15 घर में ऐसे सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जिसके वजह से ये सेमी सर्कल की तरह होगा और हर एक बार कंप्लीट होने के बाद उल्टा करेंगे और फिर दूसरा लाइन स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही टोटल 3 लाइन का कान बनाएंगे। हर बार 3 चेन से 2 और 2 से फिर 1 ये मेथड को फॉलो करते हुए पूरा मैट को कंप्लीट करना है। फिर से घुमाएंगे और अब हमको ऊपर का जो सेमी सर्कल पोर्शन है वो कंप्लीट करना है, तो इसके लिए हम एकदम बीचों बीच का घर लेंगे और फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये स्टेप को कंप्लीट करेंगे 3 से 2, 2 से 1 और ऐसे ही पूरा सर्कल को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे सेम प्रोसेस में। ये बन गया कान। कान के बाहर अब सेम कलर की साड़ी से बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए भी सेम स्टेप का फॉलो करेंगे और फिर हर एक घर में एक एक बार रोटेशन करेंगे, फिर 2 होगा, 2 से फिर 1 बनेगा और इसी तरह से बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा टेडी वियर मैट और ये मैट को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा और डेकोरेशन ऐड करूँगी और इसके लिए मैं 2 आईज और 1 माउथ ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको अटैच कर भी सकते हो अगर आपको मन हो तो। आँख बनाने के लिए पहले चेन बनाएंगे और सेम मेथड को फॉलो करते रहेंगे, ऐसे 2 आँख और 1 मुँह बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में वीडियो, तो आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा।
माउथ बनाने के लिए हर बार 3 स्पेस छोड़ के एक एक बार ये स्टेप को रिपीट करेंगे और ऐसे ही टोटल 10 लाइन का माउथ बनाएंगे। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा मिकी माउस या फिर टेडी बियर मैट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्यूट है और इसको आप बेड साइड में या फिर डोर मैट के तरह या फिर टेबल मैट की तरह आप कहीं भी यूज़ कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए और ये मैट आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए अगर आपका कोई सजेशन हो या फिर कोई सवाल हो। मैं फिर से आऊँगी कोई नए ट्यूटोरियल के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी क्रिएटिव।